असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल एम एस अकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन सो स्टूडेंट्स आज जो है हम क्लास टेल्व केमस्ट्री का चैप्टर नंबर वन जो पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर फाइव कवर करेंगे और लेक्चर नंबर फाइव का पार्ट वन बनवा जिसमें हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जिसे कहते हैं उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के किस तरह से उसको इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और कैसनर कैलनर सेल के मेथड के थ्रू तो हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड रुक्षा, हाँ जो होता है वो हाईली वर्सेटाइल होता है मतलब डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा और आगे यही बात वो तो तो वाजहे कर दिया है कि वाइडली जो है इसे केमिकल कंपाउंड के तौर पे यूज़ किया जाता है उसके बाद कॉमनली जो है हम इसको तो कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और ये इस वजह से जानते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है कि बर्न कॉज करता है और हमारे टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है इसको जो है मैनुफेक्चर किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के जरिए एक स्पेशली डिज़ाइन हुए हुए सेल डिजल जिसका हम कैसनर कैलनर सेल कहते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि सेल जो है किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ होता है बना हुआ होता है तो सेल जो है सेल के अंदर दो पोर्शन होते हैं एक पर रेक्टेंगुलर वेजेल होता है और एक लोअर पाइप की तरह का पोर्शन होता है अच्छा अपर पार्ट जो है उसके अंदर टाइटेनियम ब्लॉक्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक एक्वस सोल्यूशन के अंदर और वो एक्वस सोल्यूशन होता है हमारा सोडियम क्लोराइड का जो कि एनोड के तौर पे ऐड कर रहा होता है काम कर रहा होता है और लोअर सेक्शन जो कि पाइप की तरह का होता है वो मर्क्यूरी से फील्ड हुआ हुआ होता है और मर्क्यूरी मर्क्योरी जो है वो एक कॉन्स्टेंट सेम स्पीड के साथ उसके अंदर सर्कुलेट कर रही होती है और ये हो रहा होता है एक मर्क्योरी पंख के मदद से और ये जगह जो है लोअर पोर्शन जो है वो कैथोड के तौर पे सर्व होता है इसके बाद जो है अपर पार्ट जो होता है सेल का यानी कि रेक्टेर वेजिल वो कनेक्ट हुआ होता है लोअर पार्ट से किसके ज़रिए एक ग्रेफाइड से बने हुए चैम्बर के ज़रिए जिस फॉर्म क्या कहते हैं डेन्यूडर कहते हैं और डेन्यूडर में क्या होता है डेन्यूडर में जो है सोडियम और एमलगम ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं अलग होते हैं उसके बाद वर्किंग देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है सेल के एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का जो तो कि अपर पोर्शन में होता है उसके अंदर बहुत सारे सोडियम आइन्स और बहुत सारे क्लोराइड आइंस होता है उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सेल में से तो फिर वित क्लोरीन के आइंस यानी कि क्लोराइड आइंस जो होते हैं वो माइग्रेट करके कहाँ चले आते हैं टाइटेनियम एनोड पर और वहाँ जाके ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि क्लोरीन गैस जो है वो भी बाहर निकलती है इस इलेक्ट्रोलिटिस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के अंदर और उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और क्लोरीन जो है इस तरह से ऑक्सीडाइज होती है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं दो एटम्स जो हैं क्लोरस के वो दो एटम वो एक क्लोरिन बनाती क्लोरीन गैस और दो है रिलीज वो इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ हुए जाते हैं उसके बाद जो है ओएच आइन्स जो होते हैं हाइड्रोक्साइड है आइन्स वाटर के वो जो कि बहुत ज़्यादा कम क्वान्टी में मौजूद होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं टाइटेनियम एनोड एनोरबिक और उसका ये रिएक्शन करा गया उसके बाद सोडियम आइंस जो हैं तो दूसरी साइड पर अगर उन्हें देखा जाए तो वो मर्क्यूरी सरफेस पे जाकर डिस्चार्ज होते हैं और वहाँ पर जो है एमलगम बनता है एमलगम क्या होता है एक होता है और इसका फार्मूला क्या है एन ए पर एचली ये जो है दो इक्वेशन है जो कि इस पर होती हैं मरक्यूरी सरफेस पे ये दो रिएक्शन होते हैं उसके बाद एमलगम जो है उसको सेंड कर दिया जाता है किसके अंदर डेन्यू करके यहाँ पर सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जो है वो फॉर्म फौर देता है और उसके बाद मरक्यूरी जो हमारा होता है उसको तो रिसाइकिल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को डिजॉल्व किया जा सके जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा उसको तो कलेक्ट कर लिया जाता है इसके लिए मार्केटिंग के लिए एडवानटेज की बात की जाए तो इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है कि दूसरे प्रोसेसेस के ज़रिए जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रिपरेशन जो होती है कौशिक सोडा की कैसनर कैनर प्रोसेस के जरिए वो ज़्यादा प्रेफरेबली यानी कि ज़्यादा उसको सजेस्ट किया जाता है ये किस वजह से होता है क्योंकि दो प्रोडक्ट्स जो इसमें बनते हैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन ये जो हैं अलग अलग पोर्शन ऑफ सेल के अंदर हमें मिलते हैं यानी कि यह या आपस में इनको रिएक्ट करने से बचाता है ये सेल जबकि डिसएडवांटेज देखा जाए कि एक डिसएडवांटेज जो है इस प्रोसेस का वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक कंट्रोल के बावजूद कुछ मर्क्यूरी के वेपर्स जो हैं वो किसके अंदर से फैक्ट्री में एस से एस्कैप कर देते हैं यानी कि बाहर निकल जाते हैं और फिर वो मर्क्योरी जो है वो सी वाटर को यानी कि जो हमारा समंदर का पानी होता है उसको कॉन्टामिनेट करते हैं गंदा कर देते हैं और जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है वो जो लोग उस पानी को यूज़ करते हैं तो उसके पा उनके पार्ट ऑफ़ टिश्यूज या फिर एनिमल्स जो हैं उनके मरीन एनिमल्स जो हैं, उनके पार्ट ऑफ़ टिश्यूज में आ जाती है और प्लांट्स के अंदर और उसकी तो और इस तरह से फूड चेन जो है उसको क्या कर ये मरक्यूरी पॉल्यूट करती है और उसके बाद ये सेल जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा ये क्या है रेक्टेंगुलर अपर पोर्शन जो है वो है और ये पाइप की तरह का जो है हमारा ये लोअर पोर्शन है जबकि ये ये अपर पोर्शन के अंदर हमारी जो है वो क्या है मरकरी है और ये साइड जो है हमारी कैथोड के तौर पे सर्व हो रही है जबकि ये टाइटेनियम एनोड टाइटेनियम प्लेट जो एनोड के तौर पे सर्व की जा रही है यहाँ से हमारी क्लोरीन गैस जो है वो बाहर आती है लिपडेड आउट होती है और ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है इसके अंदर मॉलिंग है और यूज हुआ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यहाँ से बाहर आता है जबकि मरकरी जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस मरकरी पम्प के जरिए कॉन्स्टेंटली सेपरेट होता रहता है लोअर पोर्शन में और ये लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन जो है आपस में कनेक्ट होते हैं ग्रेफाइट ब्लॉक्स के जरिए और ये वाला पोर्शन जो, जो है हमारे ये डेनिंग डर के सेपरेशन होती है सोडियम ई और एमलगम की आपस में और यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस हमारी लिए बेट आउट होती है जबकि यहाँ से जो है हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हमें मिलता है तो इस तरह से आज के लेक्चर में जो है हमने कवर किया कि किस तरह से इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो तो सोडा की प्रिपरेशन होती है कैसे करना है सेल के ज़रिए तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए अल्लाह हाफिज़